राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आज कौन नहीं जानता। भारत के कोने कोने में इसकी शाखाएं हैं। विश्व में जिस देश में भी हिंदू रहते हैं, वहां किसी न किसी रूप में संघ का काम है। संघ के निर्माता डॉ केशव राव बलराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 1946 को नागपुर में हुआ था। इनके पिता श्री बलराम हेडगेवार तथा माता श्रीमती रेवतीबाई थी। केशव जनजात देशभक्त थे। बचपन से ही उन्हें नगर में घूमते हुए अंग्रेज सैनिक सीताबड़ी के किले पर फहरता अंग्रेजों का झंडा, यूनियन जैक तथा विद्यालय में गाया जाने वाला गीत गॉड सेव द किंग बहुत बुरा लगता था। उन्होंने एक बार सुरंग खोदकर उस झंडे को उतारने की योजना भी बनाई, पर बालपन की यह योजना सफल नहीं हो पाई। वे सोचते थे कि इतने बड़े देश पर पहले मुगलों ने और फिर सात समुंदर पार से आए अंग्रेजों ने अधिकार कैसे कर लिया। वे अपने अध्यापकों और अन्य बड़े लोगों से बार बार यह प्रश्न पूछा करते थे। बहुत दिनों बाद उनकी समझ में यह आया कि भारत के रहने वाले हिंदू असंगठित हैं। वे जाति, प्रांत, भाषा, वर्ग, वर्ण आदि के नाम पर तो एकत्र हो जाते हैं, पर हिंदू के नाम पर नहीं। भारत के राजाओं और जमींदारों में अपने वंश तथा राज्य का दुराभिमान तो है, पर देश का अभिमान नहीं। इसी कारण विदेशी आकर भारत को लूटते रहे और हम देखते रहे। ये सब सोचकर केशवराव ने स्वयं इस दिशा में कुछ काम करने का विचार किया। उन दिनों देश की आजादी के लिए सब लोग संघर्षरत थे। स्वाधीनता के प्रेमी केशवराव भी उसमें कूद पड़े। उन्होंने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई करते समय क्रांतिकारियों के साथ और वहां से नागपुर लौटकर कांग्रेस के साथ काम किया। इसके बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली। बहुत सोच विचार के बाद डॉक्टर साहब के मन में संघ की कल्पना निश्चित हो चुकी थी। अब उसे व्यवहार रूप में लाना था। उसका सूत्रपात उन्होंने विजयादशमी के शुभ मुहूर्त पर करने का तय किया। वर्ष 1925 की विजयादशमी 27 सितंबर को थी। इस अवसर पर डॉक्टर साहब ने अपने घर में 15-20 लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने सबसे कहा कि हम लोग आज से संघ शुरू कर रहे हैं। संघ के श्री गणेश की घोषणा करने के बाद डॉक्टर साहब ने सबके सामने प्रश्न रखा कि संघ में प्रत्यक्ष क्या कार्यक्रम किए जाए जिससे कि हम कह सके कि संघ शुरू हो गया। बैठक के अंत में डॉक्टर साहब ने अत्यंत प्रभावी ढंग से यह स्पष्टीकरण किया कि संघ शुरू करने के अर्थ है कि हम शारीरिक, सैनिक तथा राजकीय तीनों प्रकार की शिक्षा ले तथा दूसरों को देना प्रारंभ करें। डॉक्टर साहब ने संघ का नाम तय करने के लिए 17 अप्रैल 1926 को अपने घर पर बैठक बुलाई। इस बैठक में 26 सदस्य उपस्थित थे। बैठक में संघ के लिए अनेक नाम सुझाए गए। अंत में 3 नाम शॉर्टलिस्ट हुए। ये 3 नाम थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरीपटका का मंडल और भारतोद्धारक मंडल। इनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम स्वीकृत हुआ। डॉक्टर हेडगेवार ने गृहस्थी के बंधन में न पड़ते हुए पूरा समय इस हेतु ही समर्पित कर दिया। उन दिनों प्रायः सभी संगठन धरने, प्रदर्शन, जुलूस, वार्षिकोत्सव जैसे कार्यक्रम करते थे, पर डॉक्टर हेडगेवार ने दैनिक शाखा नामक नई पद्धति का आविष्कार किया। शाखा में स्वयंसेवक प्रतिदिन 1 घंटे के लिए एकत्र होते हैं। वे अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार कुछ खेलकूद और व्यायाम करते हैं। फिर देशभक्ति के गीत गाकर महापुरुषों की कथाएं सुनते और सुनाते हैं। अंत में भारत माता की प्रार्थना के साथ उस दिन की शाखा समाप्त होती है। प्रारंभ में लोगों ने इस शाखा पद्धति की हंसी उड़ाई, पर डॉक्टर हेडगेवार निर्विकार भाव से अपने काम में लगे रहे। उन्होंने बड़ों की बजाय छोटे बच्चों में काम प्रारंभ किया। धीरे धीरे शाखाओं का विस्तार पहले महाराष्ट्र और फिर पूरे भारत में हो गया। अब डॉ साहब ने पूरे देश में प्रवास प्रारंभ कर दिया। हर स्थान पर देशभक्त नागरिक और उत्साही युवक संघ से जुड़ने लगे। संघ में नियमित रूप से दंत की शिक्षा 28 मई 1926 से आरंभ हुई। उसके लिए धीरे धीरे नई आज्ञाएं बनाने की आवश्यकता हुई। श्री अर्णा सोनी ने ये काम बड़ी सफलता के साथ कर दिखाया।
अंग्रेजी की आज्ञाएं सामान्यतः प्रचलित होते हुए भी उन्हें स्वीकार न करते हुए आग्रहपूर्वक स्वभाषा में आज्ञाएं बनाई गईं। इनके बनाने में मराठी, हिंदी तथा संस्कृत सभी भाषाओं का आधार लिया गया था। संघ की कल्पना से लेकर संघ शाखा के रूप में उस कल्पना को मूर्त स्वरूप देने तक सब काम डॉक्टर जी ने ही किया, परंतु उनका स्वभाव ऐसा था कि उसमें कहीं भी मैं का भाव नहीं दिखाई देता था। हम लोग संघ शुरू कर रहे हैं अथवा हम लोगों के द्वारा शुरू किया गया संघ आदि वाक्य प्रयोग के द्वारा वे सदैव सबका अंतर्भाव करके ही कार्य का उल्लेख करते थे। संघ का पहला वार्षिकोत्सव डॉक्टर जी के घर में ही मनाया गया। उस समय संघ के स्वयंसेवकों के साथ साथ अनाथ विद्यार्थी गृह के विद्यार्थी भी उपस्थित थे। श्री बापूराव आंबेडकर का अध्यक्षीय भाषण हुआ। अपने आराध्य हिंदू राष्ट्र का परिपूर्ण साक्षात्कार होने के कारण ही उन्हें संपूर्ण संकट सब बाधाएं सहज प्रतीत हुई। अपने उपास्य की भक्ति की प्रखर ज्वाला में सभी प्रकार के आकर्षण और सब प्रकार का स्वार्थ जलाकर भस्म करने का अलौकिक आनंद उन्होंने अनुभव किया। स्वार्थ रहित एवं ध्येयनिष्ठ जीवन ही विशुद्ध, पवित्र एवं चरित्र संपन्न रह सकता है। डॉक्टर साहब तो अंतर्बाह्य शुचिता की साक्षात मूर्ति ही थे। डॉक्टर हेगेवार के समकालीन कार्यकर्ताओं के अनुसार डॉक्टर साहब की ओर देखकर यही लगता था कि मानो शुचिता मानवरूप धारण कर व्यवहार कर रही हो। डॉ हेगेवार अथक परिश्रम करते थे। इसका दुष्प्रभाव उनके शरीर पर दिखाई देने लगा। अतः उन्होंने सब कार्यकर्ताओं से परामर्श कर श्री माधवराव गोलवलकर को नया सरसंचालक नियुक्त किया। 20 जून को उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया गया, पर उससे भी बात नहीं बनी और अगले दिन 21 जून 1940 को उन्होंने देह त्याग दी। समाप्त। इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।